आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ड्यूक 200 और आरसी 200 को, दो बहुत ही एक अफोर्डेबल अच्छी बाइक्स हैं 200 सीसी सेगमेंट में, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स में आपको कहूँगा। दोनों का फुल कंपैरिजन होने वाला है, कौन सी बाइक आपके लिए बेटर होने वाली है आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है संगीत खन्ना, आप देख रहे हैं थ्रॉटल 98। लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर जो है प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, प्राइस डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ड्यूक 200 का प्राइस आता है 230,000 रुपीज़ और आरसी 200 का प्राइस आता है 252,000 रुपीज़, तो लगभग 22,000 रुपये का अंतर है दोनों बाइक्स में। यहाँ पर बात करें ड्यूक 200 के अंदर भी दो कलर आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूक 200 है, दिस इज अ प्रॉपर नेकेड स्ट्रीट बाइक एंड दिस इज द आरसी 200, एक प्रॉपर फेयर्ड बाइक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है एंड ये वाला जो ओवरऑल लुक है काफ़ी एक अलग डिज़ाइन का आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर भी दो कलर आते हैं, मेरा फेवरेट कलर जो इसका सेकेंड कलर है विच इज़ द मोटो जीपी एडिशन कलर, दैट इज़ माई फेवरेट कलर, बहुत डिफरेंट बहुत अल्टीमेट लगता है वो वाला कलर। यहाँ पर प्राइस के अंदर डिफरेंस है 22,000 रुपए का, बाइक्स के अंदर क्या डिफरेंस है अब बात कर लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो आप देख सकते हैं सामने एक फेयर बाइक है एक नेकेड बाइक है। सेकंड डिफरेंस जो है यहाँ पर देखने को मिलता है आपको ब्रेक्स के अंदर, ब्रेक्स जो है यहाँ पर ड्यूक 200 के आते हैं 300 मिलीमीटर के, वहीं यहाँ पर आरसी 200 के अंदर आते हैं 320 मिलीमीटर के डिस्क ब्रेक, 320 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक। व्हील के डिजाइन में अंतर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ड्यूक 200 का व्हील जो है कुछ इस प्रकार से आता है एंड आरसी 200 का व्हील आता है स्टारफिश एलॉय न्यू डिजाइन वाला। हेडलाइट क्लस्टर जो है दोनों बाइक्स की एलईडी आती है, इसकी थोड़ी सी आपको टिंटेड सी दिखेगी एंड बहुत मीन लुक आता है नाइट में इस बाइक का। ड्यूक 200 का भी बहुत मीन लुक आता है बट ये टिंटेड लाइट नहीं है, बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर ग्लास देखने को मिलेगा, दोनों बाइक्स में एलईडी हेडलाइट क्लस्टर आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक अच्छा खासा डिफरेंस है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्यूक 200 का आता है ओल्ड डिजाइन वाला, काफी टाइम से आता रहा है, मैं तो पर्सनली ट्रेली बताऊँ तो काफी बोर हो चुका हूँ इस वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। यहाँ पर अगर हम बात करें आरसी 200 के बारे में तो आरसी 200 में आता है नॉन कलर्ड एलसीडी डिस्प्ले, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ प्रॉपर। सो कुछ इस प्रकार से आता है नॉन कलर्ड एलसीडी डिस्प्ले, सारी इन्फॉर्मेशन देता है, लगता भी बहुत बढ़िया है बाइक जब चलती है, बट अगर TFT आ जाए तो मज़ा ही अलग हो जाएगा। बाइक्स के हैंडल बार्स में डिफरेंस है, ये आपको एक लोअर्ड हैंडल बार्स देखने को मिलते हैं बिकॉज एक फेयर बाइक है एक रेसिंग स्टाइल बाइक है। यहीं एक नेकेड बाइक बारे में बात करें तो इसके हैंडल बार्स थोड़े अप्रेज रहते हैं, सिटिंग कंफर्ट अलग रहता है, इसमें आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे आपको झुक के बैठना पड़ता है। फ्यूल टैंक में डिफरेंस है, ये आपको जो है बड़ा फ्यूल टैंक देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ड्यूक 200 आरसी 200 में, 13.4 लीटर का फ्यूल टैंक आता है ड्यूक 200 के अंदर। सीट का डिज़ाइन में डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बाइक्स की आपको एक प्रॉपर रेसिंग डिज़ाइन वाली सीट देखने को मिलती है। ये सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मैं पर्सनली नहीं कहूँगा लॉन्ग राइड्स के लिए, बट सिटी के हिसाब से ठीक ठाक है। ग्रैब बार्स दोनों बाइक्स में आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से। KTM की बैजिंग आपको जो है दोनों बाइक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी, एक में यहाँ पर आती है एक में पीछे आती है। मोनोशॉक सस्पेंशन सिस्टम आता है रियर में दोनों बाइक्स के अंदर। इंजन जो है दोनों बाइक्स का सेम है बट यहाँ पर इसका जो एयर बॉक्स है आरसी 200 का ओल्ड वाली आरसी से 40% बड़ा कर दिया गया है एंड यहाँ पर टॉप स्पीड में आपको कहूँगा कि आरसी 200 की थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है बिकॉज एक फेयर्ड बाइक है, इसमें आप टक इन होके बेटर एरोडायनामिक्स आपको देखने को मिलता है आरसी 200 के अंदर। सो आरसी 200 की टॉप स्पीड जो है ड्यूक 200 से थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी ज़्यादा है। माइलेज जो है दोनों बाइक्स का लगभग सेम है बट ड्यूक 200 जो है वो कभी कभार ज़्यादा बेटर माइलेज निकाल देती है, ड्यूक 200 का माइलेज थोड़ा सा एक अच्छा आता है मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस, मैं आपको रियल टाइम वाला बता रहा हूँ। यहाँ पर रियर में जो डिस्क ब्रेक है 230 मिलीमीटर का दोनों बाइक्स में आता है, दोनों बाइक्स में डुअल चैनल ABS ब्रेकिंग सिस्टम आती है। रियर लुक जो है आरसी 200 का कुछ इस प्रकार से आता है, कंप्लीट डिफरेंट आप देख सकते हैं ड्यूक 200 का कुछ इस प्रकार से आता है एंड दोनों बाइक्स में रियर में LED टेल लाइट LED इंडिकेटर्स आते हैं। टायर हगर दोनों बाइक्स में आते हैं रियर में। अगर हम बात करें अब यहाँ पर जो है मेन चीज़ की भाई कौन सी वाली बाइक हमें लेनी चाहिए, तो देखो अगर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक रेसिंग बाइक वाला लुक चाहिए, एक आपको सुपर बाइक वाला लुक चाहिए तो आरसी 200 के साथ आप जाओ, बट अगर आप यहाँ पर कोई कंफर्टेबल बाइक ढूंढ रहे हो थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल जो आपके शायद घर में पेरेंट्स भी चला सकते हैं लाइक आपके पापा या चाचा वगैरह, तो आप ड्यूक 200 लो बिकॉज आरसी क्या है थोड़ी सी एक हल्की सी आपको आगे झुक के बैठना पड़ता है, तो एक सुपर स्पोर्ट वाली जो है सिटिंग कंफर्ट आपको जो बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, सुपर स्पोर्ट वाली कैटेगरी के अंदर आपको जो है बाइक का लुक देखने को मिलता है। सो इसको जो है चलाना उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल है बट ड्यूक 200 ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगती है एनी डे। सो अगर आपको एक
इजी टू राइड फन बाइक चाहिए मजे करने के लिए, जिसमें आप ज्यादा थको नहीं, आप लॉन्ग राइड्स कर लो, ड्यूक 200 के साथ आप जा सकते हैं। बट अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जिसको लोग मुड़ मुड़ के देखें, एक सुपर बाइक वाला फील आए, लुक शानदार आए, मतलब एक मजा आए जिसको चलाने में, टॉप स्पीड पे भी या फिर थोड़ा भगाने में मजा आए, तो RC 200 आपके लिए काफ़ी अच्छी बाइक है। आपको कौन सी बाइक अच्छी लगी दोनों में से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मुझे पर्सनली जो है ड्यूक 200 थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज मैं पर्सनली इस बाइक से थोड़ा ज़्यादा कनेक्टेड फील करता हूँ बिकॉज ऑफ द लुक, कम्फर्ट एंड एवरीथिंग। आपको दोनों में से कौन सी वाली बाइक अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में बताएगा। वीडियो अच्छी लगी और लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ लिख क्या रहा है Throttle_9 का हैंडल। मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक फॉर योर पार्ट। सी यू नेक्स्ट वीडियो। आई एम बी हैप्पी एंड राइड सेफ। बाय बाय।